For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio, you are listening. Radio U, a flavor of life. www.radioeden.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 94th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वर्ड्स की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत हफ्तों से या यूं कहूं कुछ महीनों से बातें चल रही थी फ्रेजेस की, और हमने बात की 300 से ज्यादा फ्रेजेस की हमने बात की और हमने डिस्कस किया। तो अब हम बैक टू वर्ड्स हैं, यानी कि अब हम बात करेंगे वर्ड्स की। तो चलिए, अब आज के इस एपिसोड में हम कदम बढ़ाएंगे 16 वर्ड तरफ जो इम्पोर्टेंट है और यूज होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, सेव अवर रेडियो उड़ान स्काइप आईडी RADIO UDAAN, तो वहां पे आप एकदम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर कुछ आपने भेजना है या व्यूज है, आइडियाज है, साथ के साथ आप बिल्कुल ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकंड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। उफो मम्मा, कहां जा रही हूं? मुझे बहुत सारा वक्त है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूंगी? उफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है, प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 94th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज बात करेंगे हम वर्ड्स की। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट वर्ड की तरफ। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज नज। नज, NUDGE, नज। दोस्तों, नज एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू पुश अगेंस्ट जेंटली। किसी के अगेंस्ट आप पुश करें जेंटली, आराम से किसी चीज को धक्का दें, तो वो होता है नज करना। जैसे शी नज्ड माय एल्बो व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड एंटर द रूम। मतलब जब उसकी दोस्त अंदर आ रही थी तो उसने मुझे एल्बो से थोड़ा सा पुश किया। मतलब होता है ना, कई बार आप रेस्टोरेंट में या कहीं अपने दोस्त के साथ बैठे हो और आपको इशारा करने के लिए दोस्त आपको एल्बो से हल्का सा धक्का देता है, तो इट्स लाइक अ नज। इट्स लाइक अ नज, NUDGE, नज, टू पुश अगेंस्ट जेंटली। तो दोस्तों, नज का जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है जॉग। द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज बोलस्टर। बोलस्टर, BOLSTER, बोलस्टर, BOLSTER, बोलस्टर। यानी कि पहले तो ये एक वर्ब है और इस वर्ड का मतलब है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, किसी चीज को सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, उसकी ताकत बढ़ाना, तो वो होता है बोलस्टर करना। जैसे बोलस्टर मोराल, मतलब किसी का मोराल बढ़ाना, कि बॉस केम टू बोलस्टर अवर मोराल, कि कल हमारी मीटिंग है तो बॉस आके हमें बिल्कुल हमारा जो मोराल है वो बोलस्टर करके गया, मतलब बूस्ट अप करके गया, यानी कि बढ़ा के गया। तो या फिर एड पैडिंग टू, किसी चीज को आप पैड एड कर रहे, जैसे बोलस्टर द सीट ऑफ द चेयर। मतलब सपोज कीजिए कि चेयर है और वो खुदरी है, तो उसमें आप कुछ गद्दा डाल देते हैं, कुछ पैड
डाल देते तो इट्स लाइक बोल्स्टर द सीट ऑफ द चेयर, मतलब उसमें और गद्दा, नरम जो गद्दा होता है वो भर देना। या फिर दोस्तों आपने सुना होगा कि आपके रूम में, बेडरूम में वो तकिए होते हैं जो लंबे से तकिए होते हैं गोल, तो उन्हें भी हम कहते हैं बोल्स्टर। सो बोल्स्टर यानी कि या तो किसी को एनकरेज करना, या फिर जो मतलब पैडिंग होती है किसी चीज में, सॉफ्ट पैडिंग होती है, गद्दा सा भरा होता है, तो वो होता है बोल्स्टर। जैसे बोल्स्टर अप, लॉन्ग पिलो, सिनोनिम्स हुए दोस्तों। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज तो दोस्तों जो तीसरा वर्ड है शाम का वो है हार्ड नोज्ड। हार्ड नोज्ड, HARD, हार्ड नोज्ड, NOSED, नोज्ड, हार्ड नोज्ड। यानी कि दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रियलिस्टिक एंड डिटरमिंड, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही रियलिस्टिक और डिटरमिंड है कि हाँ मुझे कुछ पाना है तो मुझे पाना ही है, मुझे करना है तो मुझे करना ही है। सो टफ माइंडेड जो होता है तो उसे हम कह सकते हैं हार्ड नोज्ड। जैसे अ हार्ड नोज्ड बिजनेसमैन, जैसे ही इज अ हार्ड नोज्ड बिजनेसमैन, अगर उसने एक बार ठान ली कि उसने ये करना है तो उसने करना ही है। सो ही इज अ हार्ड नोज्ड बिजनेसमैन। जैसे दोस्तों इसके सिनोनिम ले लेते हैं टफ माइंडेड या फिर अनसेंटिमेंटल, कि मतलब बिल्कुल पत्थर, मतलब हाँ मुझे करना है तो मुझे करना ही है, सेंटिमेंट्स में नहीं बहेगा वो। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कनंड्रम। दोस्तों कनंड्रम ये एक नाउन है, इसकी स्पेलिंग है CONUNDRUM, कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम। यानी कि दोस्तों अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम, कोई कठिन सिचुएशन और हालात हो या कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तो वो होता है कनंड्रम। जैसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स थी लोगों ने, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, एक्सपर्ट्स ने सभी सॉल्व कर दी, पर जब इस प्रॉब्लम पे आए तो वो कर नहीं पाए। सो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम थी उनके लिए। सो कोनंड्रम्स, CONUNDRUMS, कनंड्रम्स, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स। वैसे इसका जो सिनोनिम है कनंड्रम का दोस्तों वो है प्रॉब्लम या क्वेश्चन। तो चलिए दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। तो दोस्तों द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नज। नज, NUDGE, नज। दोस्तों ये एक वर्ब है और इसका मतलब था टू पुश अगेंस्ट जेंटली, किसी चीज के अगेंस्ट किसी को धक्का देना आराम से, प्यार से, तो इट्स लाइक नज। जैसे शी नज्ड माय एल्बो व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड एंटर द रेस्टोरेंट, मतलब मेरे साथ मेरी सहेली बैठी थी और जब उसने देखा कि दरवाजे से उसकी एक और दोस्त आ रही है तो उसने मुझे हल्के से एल्बो से धक्का दिया कि वो देख आ गई। तो होता नहीं कि एल्बो से कोई हल्का सा धक्का देता है आपको। सो इट्स लाइक अ नज, NUDGE, नज। तो चलिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज। वैसे नज का जो सिनोनिम मैंने बताया था वो था जॉक। तो चलिए जो सेकंड वर्ड था इस शाम का वो था बोल्स्टर। बोल्स्टर, BOLSTER, बोल्स्टर, BOLSTER, बोल्स्टर। दोस्तों ये एक वर्ब है और इसका मतलब है सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, तो वो होता है बोल्स्टर करना। जैसे बोल्स्टर मोराल, मतलब किसी का मोराल बढ़ाना कि अरे नहीं तुम तो कर लोगे, तुमने तो काफी कुछ पाया, तो ये भी छोटी चीज है तुम्हारे लिए, तो किसी का मोराल बढ़ा रहे हो तो यू आर बोल्स्टरिंग देयर मोराल। या फिर द बॉस केम टू बोल्स्टर अवर मोराल फॉर अवर नेक्स्ट मीटिंग, मतलब हमारी जो मीटिंग है कल उसके लिए हमारा जो मोराल है वो बढ़ाने के लिए बॉस ने बोल्स्टर किया हमें। तो दोस्तों एड पैडिंग टू भी इसका मतलब हो गया बोल्स्टर का, यानी कि जो पैडिंग एड करना, सॉफ्ट जो पैड होता है वो एड करना, किसी चीज में गद्दा एड करना, तो इट्स लाइक एड पैडिंग टू तो बोल्स्टर। जैसे बोल्स्टर द सीट फॉर द चेयर, मतलब वो जो चेयर है उसमें थोड़ा सा पैडिंग एड कर दो, पैड एड कर दो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। सो बोल्स्टर द सीट ऑफ द चेयर। तो दोस्तों इसके सिनोनिम हो सकते हैं बोल्स्टर अप या लॉन्ग पिलो।
देखा होगा आपने कभी ड्राइंग रूम में, कमरे में एक पिलो होता है जो लंबा सा तकिया होता है, गोल कलर गोल होता है जो, तो उसे भी हम बोलस्टर कहते हैं। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हार्ड नोज्ड। हार्ड नोज्ड, HARD, हार्ड नोज्ड, NOSED, नोज्ड, हार्ड नोज्ड। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है रियलिस्टिक एंड डिटरमिंड। कोई व्यक्ति जो रियलिस्टिक हो और बिल्कुल डिटरमिंड हो, डटा हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना ही पाना है, तो वो होता है हार्ड नोज्ड। जैसे अ हार्ड नोज्ड बिजनेसमैन, इफ ही हैज सेड दैट ही विल डू इट, ही विल डेफिनेटली डू इट। मतलब हार्ड नोज्ड, उसने ठान लिया तो वो करके दिखाएगा। तो दोस्तों हार्ड नोज के जो सिनोनिम हो सकते हैं वो हो सकते हैं टफ माइंडेड या फिर अनसेंटिमेंटल। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कनंड्रम। कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम नाउन है दोस्तों ये, और इसका मतलब है अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। कोई मुश्किल हालात या तकलीफ खड़ी हो जाए तो वो होता है कनंड्रम। जैसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स, मतलब काफी तकलीफें आई पर ये सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ थी। सो इट हैज बीन द बिगेस्ट कनंड्रम फॉर द एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों इसका जो सिनोनिम है वो हो सकता है कनंड्रम का प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन। तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 94th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं लौटती हूँ तुरंत उस पर। आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद दिव्या शर्मा। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। Radio. You are listening. Radio Union, a flavor of life. www.radiounion.com. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 94th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बातें चल रही हैं वर्ड्स की। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। दोस्तों इसका मतलब होता है शोइंग इंटेलेक्चुअल पेनिट्रेशन और इमोशनल डेप्थ, मतलब कोई गहराई दिखाना। कोई मतलब बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, सोच समझ के बात करता हो या इमोशंस में बहुत अच्छे से समझता हो, तो वो होता है प्रोफाउंड। जैसे अ प्रोफाउंड फिलोसफर या फिर अ प्रोफाउंड बुक। मतलब एक तो हो गया फिलोसफर जो कि बहुत प्रोफाउंड है, मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, उसकी बातें बहुत सारी अकलमंद वाली हैं। तो इट्स लाइक अ प्रोफाउंड फिलोसफर। और दूसरा हो गया अ प्रोफाउंड बुक, जैसे एक किताब है जो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के बहुत ही ज्यादा गहराई में लिखी गई है। सो इट्स अ प्रोफाउंड बुक। दोस्तों इसका मतलब एक और भी है, ऑफ अ स्टेट क्वालिटी और इमोशन, मतलब वेरी ग्रेट और इंटेंस। कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो तो उसे भी हम कहते हैं प्रोफाउंड। जैसे प्रोफाउंड फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने पार्टी में जाना था और वो बिल्कुल तैयार होके खड़ा हुआ था, पर एन मौके पे आप उसके घर चले गए और आपने स्पॉइल कर दिया उसका प्रोग्राम। सो नाउ यू आर विद प्रोफाउंड फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट। तो दोस्तों प्रोफाउंड यानी कि एक तो हो गया कि बहुत इंटेलेक्चुअल और दूसरा हो गया बहुत गहराई वाला। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज फिलिप। फिलिप, FILLIP, फिलिप, FILLIP, फिलिप। दोस्तों इसका मतलब है एनीथिंग दैट मेक्स वन फील एनकरेज्ड। कोई चीज जो किसी व्यक्ति को और भी एनकरेज्ड फील कराए तो वो होता है फिलिप। जैसे His approval was an added fillip. मतलब उसने मुझे इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए यस कह दी तो वो मेरे लिए एक एनकरेजमेंट ही थी। सो हिज अप्रूवल वॉज एन एडेड फिलिप। फिलिप यानी कि एनकरेजमेंट। तो दोस्तों फिलिप के जो सिनोनिम हो सकते हैं वो है बोस्ट या फिर एनकरेजमेंट। द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज आर्टिकुलेट। ARTICULATE, आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहरेंटली। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ईज से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, बात रख पाए, तो वो होता है आर्टिकुलेट वे में। जैसे
शी वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, मतलब उसने बात तो रखी पर वो इतने अच्छे से रख नहीं पाई, तो वो होता है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आर्टिकुलेट, शी वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, या फिर कोई स्पीच थी जो बहुत ही साफ सुथरी थी और अच्छे से समझ आ गई, सो कह सकते हैं इट वॉज एन आर्टिकुलेट स्पीच। तो दोस्तों द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज सिग्नेटोरी। दोस्तों एट्थ वर्ड है सिग्नेटोरी, एस आई जी एन ए टी ओ आर वाई, सिग्नेटोरी। दोस्तों ये एक नाउन है, मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँ तो कोई भी अगर आप जैसे कोई बॉन्ड है या फिर कोई चीज असाइनमेंट है उसमें साइन कर देते हैं और आप कह देते हैं कि हाँ आप इन हैं, तो स्पेशली अ स्टेट दैट हैज साइंड अ ट्रीटी, तो तब आप बन जाते हैं सिग्नेटोरी। जैसे यहाँ पे हो गया समवन हु साइंस एंड इज बाउंड बाय अ डॉक्यूमेंट, मतलब सपोज कीजिए आपने कोई जॉब ज्वाइन किया और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए तो आप हो गए सिग्नेटोरी, यानी कि उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप बाउंड हो चुके हैं, जो उसमें लिखा है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया सिग्नेटोरी और इसके सिनोनिम हो सकते हैं साइनर। तो चलिए दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट, लेट मी टेक अ क्विक रीकैप। द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रोफाउंड, पी आर ओ एफ ओ यू एन डी, प्रोफाउंड, पी आर ओ एफ ओ यू एन डी, प्रोफाउंड, यानी कि शोइंग इंटेलेक्चुअल पेनिट्रेशन और इमोशनल डेप्थ, मतलब जब आप गहराई दिखाएं, एक तो इंटेलेक्चुअल गहराई की आपको बहुत समझ है चीजों की और दूसरा इमोशनल डेप्थ, तो वो होता है प्रोफाउंड। जैसे अ प्रोफाउंड फिलोसोफर, कोई फिलोसोफर है जो बातें बहुत ऊंची ऊंची बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करता है, गहराई की बातें करता है, तो ही इज अ प्रोफाउंड फिलोसोफर। या फिर एक किताब है जो बहुत ही दिमाग लगा के गहराई से लिखी गई है तो वो भी अ प्रोफाउंड बुक। तो चलिए यहाँ पे एक और मीनिंग भी है, अ स्टेट क्वालिटी और इमोशन वेरी ग्रेट और इंटेंस, कोई हालात कोई सिचुएशन कोई फीलिंग जो बहुत ज्यादा हो तो उसे भी हम कह सकते हैं प्रोफाउंड। जैसे प्रोफाउंड फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, मतलब सपोज कीजिए कि आपके दोस्त ने पार्टी में जाना था और आप उसके घर चले गए और वो पार्टी में नहीं जा पाया, तो इट्स लाइक आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है कि आपकी वजह से वो नहीं जा पाया, सो इट वॉज लाइक प्रोफाउंड फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट। तो चलिए द सिक्स वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज फिलिप, एफ आई एल आई, एफ आई डबल एल आई पी, फिलिप, एफ आई डबल एल आई पी, फिलिप। दोस्तों फिलिप का मतलब है एनीथिंग दैट मेक्स वन फील एनकरेज्ड, कोई भी ऐसी चीज जो किसी को और भी एनकरेज फील कराता है तो वो होता है फिलिप, एफ आई डबल एल आई पी, फिलिप। जैसे हिज अप्रूवल वॉज एन एडिट फिलिप, मतलब जो उसका अप्रूवल उसने मुझे कह दिया कि तुम कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लो तो वो मेरे लिए एक एनकरेजमेंट थी, उसने मुझे और भी हौसला दिया, सो इट वॉज लाइक अ फिलिप, एफ आई डबल एल आई पी, फिलिप। तो दोस्तों फिलिप के जो सिनोनिम है वो है बूस्ट, बी डबल ओ एस टी, बूस्ट, या फिर एनकरेजमेंट। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज आर्टिकुलेट, ए आर टी आई सी यू एल ए टी ई, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहरेंटली, मतलब एक ईज से आप बात रख दें अपनी और बात करें आसानी से, तो वो होता है आर्टिकुलेट करना। जैसे शी वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, मतलब उसने बात तो अपनी रखी पर इतना आर्टिकुलेट नहीं थी वो, कि मतलब साफ से सफाई से वो बात नहीं रख पाई, या फिर कोई स्पीच थी वो इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई थी, तो इट वॉज नॉट एन आर्टिकुलेट स्पीच। तो दोस्तों द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज सिग्नेटोरी, सिग्नेटोरी, एस आई जी एन ए टी ओ आर वाई, सिग्नेटोरी। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ पार्टी दैट हैज साइंड एन एग्रीमेंट स्पेशली अ स्टेट दैट हैज साइंड अ ट्रीटी, मतलब कोई ग्रुप या किसी व्यक्ति ने कोई चीज में भाग लिया और साइन कर दिया कि हाँ हम इसमें हैं, आई एम वी आर इन, तो इट्स लाइक दे हैव साइंड एंड दे हैव बिकम सिग्नेटोरी, अब जो डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके हिसाब से उन्हें करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई जॉब ज्वाइन की वहाँ पे साइन किए तो यू आर अ सिग्नेटोरी। तो दोस्तों दीज वर द फोर वर्ड्स, सिग्नेटोरी का जो सिनोनिम है वो है साइनर। तो चलिए दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड, यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज, मैं हूँ दिव्या शर्मा, लौटूंगी तुरंत इस ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Radio U,
A Flight of Life. www.radioyoon.com. So, dosto, now we are in the third segment of this 94th episode of Vocabulary Dose. So, dosto, ab kadam badhate hain 9th word ki taraf. Aur 9th word hai scuttle. Scuttle. S-C-U-T-T-L-E, scuttle. Scuttle, S-C-U-T-T-L-E, scuttle. Yani ki destroy. Make something to fail. Matlab, intentionally ab kuch karein jisse koi cheez fail ho jaye ya destroy ho jaye, to wo hota hai scuttle. Jaise, rather than let the ship fall into American hands, they scuttled it. Matlab, bajaye iske ki jo ship hai, wo Americans ke haath lag jaye, jo wo log the, unhone ship ko hi destroy kar diya. So, rather than let the ship fall into Americans' hands, they scuttled it. Matlab, destroy kar diya. So, स्कटल यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना या कुछ ऐसा कर देना कि वो अंत हो जाए या उसका फेलियर हो जाए, तो इट्स लाइक स्कटल. तो चलिए, द स्कटल का जो सिनोनिम हो सकता है वो होता है डिस्ट्रॉय इंटेंशनली. तो चलिए, द टेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज रेजिलियंस. रेजिलियंस, द टेंथ वर्ड इज रेजिलियंस. आर ई एस आई एल आई ई एन सी ई, रेजिलियंस. R-E-S-I-L-I-E-N-C-E, resilience. दोस्तों, resilience का मतलब है the capability to recover quickly from difficulties या फिर toughness या फिर tough times. मतलब बुरे समय से कोई आराम से निकला है, मतलब अच्छे से सामना करके जल्दी से निकला है, तो वो होता है resilience. जैसे even after that trauma, she won this match. A big salute to her resilience. रेजिलियंस यहाँ पे नाउन है, और रेजिलियंस का मतलब जैसे मैंने बताया किसी बुरे समय में से जल्दी से आसानी से निकाल लेना अपने आप को, तो वो होता है रेजिलियंस. तो चलिए, द इलेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज इनेट. इनेट, आई डबल एन ए टी, इनेट. आई डबल एन ए टी, इनेट. दोस्तों, आई डबल एन ए टी, इनेट. इनेट का मतलब है, पहले तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इनबॉर्न या फिर नेचुरल. कोई चीज जो आपके अंदर ही है या वो नेचुरल है आप में, तो वो है इनेट. जैसे एन इनेट टैलेंट, किसी में कोई टैलेंट है, बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छी राइटिंग है उसकी, सो इट्स लाइक एन इनेट टैलेंट, जैसे उसके अंदर से ही आती है चीज, सो इनेट. तो इसके जो सिनोनिम है वो हो सकते हैं इनबॉर्न या फिर कंजेंटल या फिर इनबॉर्न. तो चलिए, द ट्वेल्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज हीट. एच डबल ई डी, हीट. एच डबल ई डी, हीट. दोस्तों, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है पे क्लोज अटेंशन टू या गिव हीट टू. मतलब किसी चीज पे बिल्कुल आप अपना फोकस डालें, किसी चीज को ध्यान से सुने, ध्यान से उसकी ओर ध्यान दें, तो वो होता है हीट. जैसे Heed the advice of the old man. Heed the advice of the old man. मतलब जो बुजुर्ग है उसके जो बातें हैं उस पर पूरी ध्यान दो, क्या कह रहे हैं. सो हीड द एडवाइस ऑफ द ओल्ड मैन, ध्यान से सुनो. तो जो इसके सुनोनी में दोस्तों वो हो सकते हैं अटेंटिवनेस या फिर लिसन. तो चलिए, दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर दिस सेगमेंट. लेट मी टेक अ क्विक रीकैप. तो चलिए, द नाइन्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्कटल. स्कटल, एस सी यू डबल टी एल ई, स्कटल. स्कटल का मतलब मैंने बताया था डिस्ट्रॉय. मेक समथिंग टू फेल इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली आप किसी चीज को खत्म कर रहे हो या कुछ ऐसा किया जिससे कोई चीज खत्म हो गई, सो इट्स लाइक यू स्कटल्ड इट. जैसे रादर देन लेट द शिप फॉल इन द अमेरिकन्स हैंड्स, दे स्कटल्ड इट. मतलब बजाय इसके कि शिप उनके एरिया में चले जाए, उन्होंने शिप को ही उड़ा दिया कि वो किसी के हाथ लगे ही ना. सो स्कटल्ड, दे डिस्ट्रॉयड इट इंटेंशनली, जानबूझ के. तो स्कटल का जो सिनोनिम हो सकता है वो है डिस्ट्रॉय. तो चलिए, द टेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेजिलियंस. रेजिलियंस, आर ई एस आई एल आई ई एन सी ई, रेजिलियंस. दोस्तों, रेजिलियंस होती है एक, पहले तो ये एक नाउन है,
और इसका मतलब है द कैपेबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज टफ टाइम्स, मतलब बुरे हालातों में से समय में से इजीली निकलाना, जल्दी से निकल आना, अपने आप को निकाल लेना. तो दिस इज लाइक रेजिलियंस, RESILIENCE, रेजिलियंस. तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इनेट, INNATE, इनेट. दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब मैंने बताया था इनबॉर्न या नेचुरल, कोई चीज जो आपके अंदर से आती हो या आप में नेचुरल है तो वो है इनेट. जैसे एन इनेट टैलेंट, किसी में टैलेंट है कि वो बहुत खूबसूरत गाता है तो वो एक टैलेंट, एक अंदर से ही उसकी आती है आवाज, सो इट्स लाइक इनेट टैलेंट. या किसी की हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत है तो इट्स लाइक इनेट टैलेंट. तो चलिए इसके सिनोनिम हो सकते हैं इनबॉर्न या फिर कंजेनिटल. तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हीड, HEED, हीड. दोस्तों हीड एक वर्ब है और इसका मतलब मैंने बताया था पे क्लोज अटेंशन टू समबडी या फिर गिव हीड टू, मतलब किसी की बातों पे पूरा गौर फरमाना, पूरा ध्यान देना, अटेंशन देना, तो इट्स लाइक हीड. जैसे हीड द एडवाइस ऑफ द ओल्ड मैन, मतलब ओल्ड मैन की जो बातें हैं वो ध्यान से सुनो, सो हीड द एडवाइस. तो इसके सिनोनिम हो गए अटेंटिवनेस या फिर लिसन केयरफुली. तो चलिए दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 94th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. मैं दिव्या शर्मा लौटती हूँ तुरंत इस ब्रेक के उस पार. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग.
You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 94th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और बातें चल रही है वर्ड्स की. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज aftermath. aftermath, 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 यानी कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट, स्पेशली अ कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट. मतलब कोई बुरी चीज हुई है, उसके बाद क्या हुआ, उसकी वजह से आगे क्या हुआ, तो इट्स लाइक aftermath. जैसे द aftermath ऑफ वॉर, मतलब वॉर हुआ उसमें बहुत तबाही हुई, उसके बाद गांव के गांव बिल्कुल जल गए, खराब हो गए, बीमारियां फैल गई, गरीबी हो गई, बीमारियां हो गई. तो इट्स दिस वॉज ऑल द aftermath ऑफ वॉर. सो aftermath मतलब किसी चीज के बाद हुआ हो जो, या फिर स्पेशली कोई बुरी चीज के बाद. तो चलिए जो सिनोनिम हो सकते हैं इसके, वो हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस. तो कॉन्सिक्वेंसेस सिनोनिम हो गया aftermath का. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पोर्टेंट. पोर्टेंट, 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 पोर्टेंट. पोर्टेंट दोस्तों, ये एक नाउन है और इसका मतलब है अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन. मतलब कोई चीज जो होने वाली हो तो उसे हम कहते थे पोर्टेंट, P-O-R-T-E-N-T, portent. तो जैसे he looked for a portent before going into battle. मतलब उसने देखने की कोशिश की कि शायद कोई सिग्नल मिल जाए कि वो जीतेगा कि हारेगा. A sign of something about to happen. मतलब कि जो होने वाला, शायद उसका कुछ क्ल्यू मिल जाए कि कैसा होगा, क्या होगा, सही होगा, बुरा होगा. So he looked for a portent before going into battle. तो चलिए पोर्टेंट यानी कि एक साइन मिलना, एक ढूंढना कि शायद कुछ क्ल्यू मिल जाए. तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्टेटस क्यो. स्टेटस क्यो, एस टी ए टी यू एस, स्टेटस क्यो, क्यू यू ओ क्यो, स्टेटस क्यो. दोस्तों ये इस वर्ड का मतलब है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स. द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, द करंट स्टेट, जो अभी हो रहा है, जैसी स्थिति बनी हुई है अभी, तो उसे हम कहते हैं स्टेटस क्यो. जैसे मेनली ये जो वर्ड है यूज होता है पॉलिटिकल और सोशल सेंस में. जैसे दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो. मतलब जो हो रहा है वैसा बना रहे, तो वो बनाए रखने में उनका अपना एक बहुत गहरा इंटरेस्ट है. सो दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो. मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, तो इसमें उनका अपना एक स्वार्थ छुपा हुआ है. तो स्टेटस क्यो यानी कि जो अभी हालात बने हुए हैं. तो चलिए द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज परपोर्टेड. परपोर्टेड, पी यू आर पी ओ आर टी ई डी, परपोर्टेड, पी यू आर पी ओ आर टी ई डी, परपोर्टेड. दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अपीयर टू बी और डू समथिंग स्पेशली फॉल्सली. मतलब कोई चीज या कोई चीज दिखना या करना जो मतलब गलत है, जो गलत तरीके से, स्पेशली जो गलत है. सो अपीयर टू बी और डू समथिंग, जैसे शी इज नॉट द पर्सन शी परपोर्ट्स टू बी. मतलब वो वैसी है नहीं जैसा वो दिखाती है. सो शी इज नॉट द पर्सन शी परपोर्ट्स टू बी. मतलब परपोर्ट्स यानी कि कुछ ऐसा होने की एक्टिंग करना या दिखावा करना कि आप जैसे है नहीं वैसा दिखाना. सो इट्स लाइक परपोर्ट, P-U-R-P-O-R, purport. तो हम बात कर रहे हैं purported, जो कि past tense हुआ. So purport, she is not the person she purports to be. तो इसके synonym हो सकते हैं claim, profess, pretend. तो चलिए these were the four words for this segment. Let me take a quick recap for your ease. The 13th word for the evening was aftermath. A-F-T-E-R-M-A-T-H, aftermath. दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट, स्पेशली अ कैटास्ट्रोफिक वन. मतलब किसी चीज, किसी इवेंट के आगे जो हुआ उस इवेंट की वजह से, तो वो हो गया aftermath. स्पेशली कोई बुरी चीज हुई है उसके बाद जो उसके आगे असर पड़ा है. सो इट वॉज लाइक aftermath. जैसे द aftermath
ऑफ वॉर, मतलब वॉर के बाद आफ्टरमैथ क्या था कि गांव के गांव खराब हो गए और बिल्कुल बीमारियां फैल गई, लोग मर गए बहुत, तो आफ्टरमैथ। तो सिनोनिम थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पोर्टेंट, पोर्टेंट, PORTENT, पोर्टेंट, PORTENT, पोर्टेंट। दोस्तों ये एक नाउन है और इसका मतलब मैंने बताया था अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, कोई ऐसी चीज जो होने वाली हो तो उस बारे में आप मतलब क्ल्यू, मतलब कि शायद पता लग जाए कि क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा, कोई ना कोई हिंट दे दे भगवान या कोई, तो इट्स लाइक पोर्टेंट। जैसे ही लुक्ड फॉर अ पोर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू बैटल, मतलब बैटल में जाने से पहले, युद्ध में जाने से पहले उसने देखा कि शायद कोई क्ल्यू मिल जाए कि क्या होने वाला है, सो ही लुक्ड फॉर अ पोर्टेंट बिफोर गोइंग इनटू बैटल। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो, STATUS, स्टेटस क्यो, QUO, स्टेटस क्यो, यानी कि द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स या प्रेजेंट सिचुएशन, द करंट स्टेट, जो हो रहा हो अभी, जो अभी के हालात हो, तो उसे हम कह देते हैं स्टेटस क्यो। जैसे पॉलिटिकल और सोशल, स्पेशली पॉलिटिकल और सोशल में क्या गर्मा गर्मी चल रही है, कौन क्या कर रहा है, तो इट्स लाइक स्टेटस क्यो। जैसे दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यो, मतलब जो हो रहा है, जैसे हालात है वो बने रहे, तो बनाए रखने में एक्स वाई जेड के अपने कुछ पर्सनल स्वार्थ है, मतलब कुछ वो खुद उनकी इंटरेस्ट है, तभी वो इतने लगे हुए हैं कि ऐसा जैसा है वैसा बना रहे, सो स्टेटस क्यो बना रहे। तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज परपोर्टेड, परपोर्टेड, PURPORTED, परपोर्टेड, PURPORTED, परपोर्टेड, यानी कि एक एडजेक्टिव है दोस्तों ये, और इसका मतलब है अपीयर टू बी और डू समथिंग स्पेशली फॉल्सली, मतलब ऐसा दिखावा करना जैसे आप है नहीं या कुछ ऐसा करना जो आप मतलब हो नहीं है पर दिखा रहे हो, सो इट्स लाइक परपोर्टेड। जैसे शी इज नॉट द पर्सन शी परपोर्ट्स टू बी, मतलब वो वैसी है नहीं जैसा वो दिखाती है अपने आप को, सो शी इज नॉट द पर्सन शी परपोर्ट्स टू बी। तो द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड कैन बी लाइक क्लेम, प्रोफेस या फिर प्रिटेंट। तो चलिए दीज वर द फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 94th एपिसोड। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। मैं हूँ दिव्या शर्मा, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो यू अ स्लाइस ऑफ लाइफ, www.radioyoon.com। Now we are in the last segment of this 94th episode of Vocabulary Dose। तो दोस्तों आज हमने बात की 16 words की। ये words काफी use होते हैं, कुछ important भी हैं, कई शायद आपने नहीं भी सुने हो, कई बार exams में आ जाते हैं, books में आ जाते हैं, newspaper में पढ़ने को मिल जाते हैं, लोग use करते हैं, तो अच्छी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा words समझ आए, आप बोल पाएं और बिल्कुल अच्छे से उनका आंसर दे पाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आज का ये जो लर्निंग सेशन था वो बिल्कुल एनहांसिंग रहा होगा। तो अगर आपके पास भी है कुछ आइडियाज, व्यूज, सजेशंस या कोई कंसेप्ट है जो आप चाहते हैं कि इस शो पे उसे लाया जाए वोकैबुलरी से रिलेटेड, तो बिल्कुल बताइएगा, आई विल मेक श्योर दैट आई डू समथिंग अबाउट इट। तो चलिए अभी के लिए लेनी होगी मुझे इजाजत, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो रन अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अगर आप अपने व्यूज, फीडबैक्स, आइडिया, सजेशंस भेजना चाहते हैं हमें, हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, ट्विटर आईडी है रेडियो उड़ान, फेसबुक पे भी आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, URL है www.facebook.com/radiouran। एंड फाइनली दोस्तों, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो mail@radiouran.com हमारी ईमेल आईडी है, और मेरा यानी कि दिव्या शर्मा का जो पर्सनल स्काइप आईडी है वो है Divya31S, DIVYA31S। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी शेयर करना है बिल्कुल कीजिए, और आप मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने व्यूज आइडियाज भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो इंतजार रहेगा मुझे आपके व्यूज, फीडबैक्स, आइडियाज का, और तब तक के लिए मैं लेती हूँ इजाजत, दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम निरंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।